हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करी प्लांट्स की केयर कैसे की जाए और इसको किस प्रकार से ग्रो किया जाए। फ्रेंड्स, इसको जो है मीठी नीम भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे करी प्लांट बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही कंट्रीज़ में होता है और ये नेटिव प्लांट है इंडिया और श्रीलंका का। दोस्तों, इस प्लांट की जो हाइट होती है वो 4 से 6 मीटर तक हो जाती है। ये देखिए कितना लंबा है और ये हमारे यहाँ पर 10-12 साल से भी ज़्यादा समय से लगा हुआ है और इसकी प्रूनिंग भी कई बार करी गई है। जब भी नई करी प्लांट की लीफ निकालें तो हमेशा ताज़ी तोड़ें, जिससे कि उसकी प्रूनिंग अपने आप ही हो जाती है। वहाँ से नई नई शूट्स निकलती हैं और प्लांट जो है वो घना होता जाता है। अगर हम लोग इसकी केयर की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्लांट को जो है वो सनलाइट बहुत पसंद है। इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप जो है वो ज़रूर मिले। कोशिश करें कि मॉर्निंग और इवनिंग के समय की सनलाइट, क्योंकि इसको बहुत तेज़ जो धूप होती है वो अच्छी नहीं लगती है। इस प्लांट की जो मिट्टी है वो भुरभुरी रहे, यानी कि वेल ड्रेन्ड रहे। इसमें बालू, कंपोस्ट सब बराबर मात्रा में मिली रहे। करी लीव्स को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसकी जब मिट्टी की ऊपर की सरफेस सूखने लगे तभी पानी डालें। और अगर गमले में लगाया है तो ड्रेनेज होल को थोड़ा साफ रखें, ताकि जो है रूट्स में पानी बिल्कुल ना रुके, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो अप्रैल के महीने में छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें से फ्रूट बन जाते हैं, वो भी गुच्छों में। इन गुच्छों में लगभग 30-35 तो फ्रूट्स आराम से लगे हैं। शुरू शुरू में ये ग्रीन कलर के होते हैं। देखिए, अब इसमें कच्चे और पक्के दोनों ही फ्रूट्स लगे हुए हैं। जो डार्क कलर के दिख रहे हैं, पर्पल ब्लैक कहिए, वो पक्के फ्रूट हैं। ये बंच जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे इसको छुओ तो आराम से इसके जो फ्रूट्स हैं वो झड़ने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फ्रूट जो है खाने योग्य बिल्कुल नहीं रहता है। इसके जो अंदर सीड पाया जाता है, ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, इसलिए इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। मेरे ख्याल से इन सीड्स का कोई यूज़ नहीं है, इनको हम लोग खाली बो सकते हैं। जबकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो तो साउथ इंडियन डिशेस की जान है, स्पेशली सांभर की। ये इस जो करी लीव्स की जो है अपने फ्लेवर और खुशबू के कारण बहुत से लोगों की फेवरेट है। मेरी भी बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की एक ख़ास बात मुझे दिखती है, इस साइड पर जो है सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी सीड्स लगी हुई हैं, फ्रूट निकले हैं, जबकि दूसरे साइड पर कम निकले हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो है मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हेयर फॉल को भी रोकती है, वेट भी कम करती है। लोग इसको पत्तियों को खा सकते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है वो सीड से भी होता है, कटिंग से भी होता है। कटिंग जो है हमेशा इस तरह की सेमी हार्डवुड की लेनी चाहिए, सॉफ्टवुड की सॉरी लेनी चाहिए, और जो 4-5 इंच से ज़्यादा बड़ी कटिंग ना लें। ये हमको तो ज़रूरत पड़ी नहीं है, इसलिए हमने कभी लगाया नहीं है। समय मिला तो मैं ज़रूर लगा के आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इस प्लांट में जो है कभी कभी एम्फिड्स भी अटैक कर देते हैं। हमने अपने इस प्लांट के लिए बहुत सारी बर्ड्स इनवाइट करी हैं, वो खा लेती हैं ऊपर की तरफ के। ये देखिए, नीचे की तरफ काफ़ी एम्फिड्स लगे हैं, ये बच गए हैं। अब इनको दूर करने के लिए नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं, या हाँ दोस्तों, इसमें नमक वाले पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके जहाँ पर ये सीड्स गिर जाते हैं मिट्टी में, देखिए काफ़ी सारे गिरे हैं, जहाँ कहीं भी ये करी प्लांट लगा हो इस समय, वहाँ पर खूब इस तरह के छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं। इसके जो डार्क कलर के सीड्स होते हैं उनको डायरेक्ट मिट्टी में भी बो सकते हैं, उससे भी प्लांट निकल आते हैं। और बीच में से गूदा जो है वो निकाल करके, खाली जो अंदर का हरा सीड है उसको भी तोड़ करके लगा सकते हैं, प्लांट निकल आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सीड से हम लोग जर्मिनेशन करते हैं, ये देखिए हरे रंग का है, ये सीड से जर्मिनेशन करते हैं वो थोड़ा स्लो होता है, जबकि कटिंग से जल्दी होता है, एयर लेयरिंग भी होती है। इस तरह दोस्तों इसको प्लांट को लगा सकते हैं। और दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही है, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।